साथ दोगे जिंदगी भर पक्का, तो आज हमारी बात मान लो कि कम मात्रा में कल आना। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बाबा बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा पटना के सट्टे नौबतपुर तरेतपाली मठ में जहां हनुमंत कथा चल रही है, 5 दिनों का हनुमंत कथा का आज दूसरा दिन था। दूसरा दिन न्यूज फॉर नेशन वहां का दृश्य दिखाने जा रहा है, आपको तस्वीरों के माध्यम से देखिए। भीड़ देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि क्या वहां का नजारा है। हालांकि जिस दिन से कथा शुरू हुई थी उस दिन का भी वीडियो आपको लगातार दिखाता रहा और यहाँ वहां कितने संख्या में लोग उपस्थित थे वह भी नजारा आपको दिखाया। आज सबसे आश्चर्यजनक बात यह रही कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार जो है तरेतपाली मठ यानी कि जाकर श्री राम दरबार में दर्शन किए, वहां के जो पुजारी थे जो वहां आचार्य हैं सुमरन आचार्य सुमरन जी से उन्होंने दर्शन किया, मुलाकात किया और साथ ही साथ श्री राम दरबार का उन्होंने आशीर्वाद लिया। लेकिन जैसे ही हनुमंत कथा प्रवचन जब शुरू करते हैं तो वहां का नजारा कुछ और देखने को मिलता है। लगातार आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि देखिए किस तरह से लाखों लाख की संख्या में जो है वह श्रद्धालु पधारे हुए हैं। बिहार छोड़ सटे नेपाल की अगर हम बात कर ले, बंगाल से, भूटान से, साउथ से, हर राज्यों के जो भक्त हैं वह पधारे हुए हैं और इंतजार है दिव्य दरबार की। हालांकि दिव्य दरबार को लेकर के एक आशंकाएं जताई जा रही है, जिस तरह से सैलाब जनसैलाब जो उमड़ पड़ा है तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं ना घट जाए उसको भी ध्यान में रखते हुए दिव्य दरबार पर हालांकि अभी प्रश्नवाचक चिन्ह जो है लगी हुई है। छोड़े जाते हैं और तमाम वीडियो के साथ कि क्या कुछ आज नौबतपुर में स्थित तरेतपाली मठ का क्या नजारा रहा हनुमंत कथा का, आप मेरे देखिए। साथ दोगे जिंदगी भर पक्का, तो आज हमारी बात मान लो कि कम मात्रा में कल आना। घर पर बैठकर टीवी में देखना, हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हो गए इसलिए हमारी पढ़ा। अब आरती कर लेते हैं बहुत जल्दी। श्री सीताराम भगवान की। जैसा कि गुरुदेव भगवान ने आप लोग से आग्रह किया है तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग इतनी ज्यादा भक्त आ गए हैं, इससे देखिए यहाँ पे धूल का उड़ रहा है, पीछे मुड़ के सब लोग देखिए, तो कुछ लोगों को सांस की भी दिक्कत हो रही है, गर्मी भी बहुत है और दिव्य दरबार जो है उसका समय दोपहर का है, तो जैसा कल होगा बालाजी का आज्ञा उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे। गुरुदेव वैसे हमें ये लगता है कि दरबार को विराम रखना चाहिए। जी बिल्कुल, कल जो है ना जिनको दरबार को अगर लगेगा तो हम सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ही भीड़ हो जाएगी, अनहोनी ना हो हमारे मन में ये शंका है, तो हमें लगता है कि दरबार को विराम रखना चाहिए। फिर कभी जब बिहार आएंगे कथा चलती रहेगी, 5 दिन की कथा सुनाई जाएगी। आप लोग गुरुदेव लेकिन आज्ञा को मानेंगे ना, टीवी पर सुनाई जाए आरती। आरती की जय हनुमान लगा। अभी बताओ कौन सी गर्मी लग रही है, मौसम की चलो बात तो बंद हो जाए। बोलो सीताराम, आनंद है? आनंद है। एक प्रार्थना हम पहले ही कर लें, कल जितने लोग आज आए हैं हमारी प्रार्थना है कि अब अपने साथ कल किसी और को मत लाना, क्योंकि हमें आने में 2 घंटा लग गए, 10 किलोमीटर जाम और अभी मठ गए थे तो पूरी गलियों में यहाँ पूरी जगह जाम है, तो कल तो दरबार भी है, तो हमारी प्रार्थना है कि जितने भी लोग टीवी पर देख रहे हैं आप लोग अब घर से ही देखने का लोग हैं, हमारी प्रार्थना है अपने घर से ही कथा को टीवी पर देखें, बागेश्वर धाम चैनल पर देखें, यहाँ पर्याप्त मात्रा में पगला ही पगला पहुंचे। अब ज्यादा पागलों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है जो टीवी पर देख रहे हैं अगर आप आने का प्लान बना रहे हो तो प्लान कैंसिल कर दें। साधु जी
वर्ड्स की चर्चा में आपके रूप में धन्य है भारत। केवल भगवान की प्रार्थना मां के रूप में नहीं करते, धन्य है हम लोग अपने राष्ट्र को।